नमस्कार। हमारी आज की कहानी है शरण। एक बच्चे को प्रभु की भक्ति ने क्या से क्या बना दिया। एक बहुत बड़े धनी सेठ नंदाराम जी नया सर गांव में रहते थे। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था जिसके कुटुंब में किसी बीमारी की वजह से कोई आदमी नहीं बचा। केवल नौकर का लड़का ही रह गया था। वह सेठ नंदाराम के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चरा कर आया तो सेठ नंदाराम की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आ गया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ और भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी, रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। मैं भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं। संतों ने कहा तू भी साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। संतों ने उसे पढ़ने की व्यवस्था की, काशी में कर दी। वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां से पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद उसे महामंडेश्वर महंत बना दिया। महामंडेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला। वह अपनी मंडली लेकर वहाँ आए। जिनके यहाँ वह बचपन में काम करते थे सेठ नंदाराम जी बूढ़े हो गए थे। सेठ नंदाराम जी शहर में उनका सत्संग सुनने आए। उनको सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महामंडेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गुरुजी मंडली के साथ सेठ नंदाराम जी के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति में बैठे, भोजन मंत्र का पाठ किया, फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब सेठ नंदाराम महाराज जी के पास आए और साथ में नौकर भी था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। सेठ नंदाराम प्रार्थना करने लगा कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आई। सेठ नंदाराम ने पूछा कि आप हंसे क्यों। महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए हंसा। सेठ नंदाराम बोले, महाराज यदि हमारे सुनने लायक बात हो तो हमें भी बताइए। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो। सेठ नंदाराम बात पूछता है तो बताता हूँ। महाराज ने सेठ नंदाराम से पूछा कि आपके कुटुंब में एक परिवार का एक नौकर रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या। सेठ नंदाराम बोले कि एक लड़का था और हमारे यहाँ उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर ना जाने कहाँ चला गया। बहुत ही दिन हो गए, फिर कभी उसे किसी ने नहीं देखा। महाराज बोले कि वह लड़का मैं ही हूँ। पास के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं फिर वहाँ चला गया। इसके बाद पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर महामंडेश्वर बन गया। यही वही आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी देने के लिए भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथों से महाभोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले ना रबड़ी, करूं कहां लगी वरण, महाभोग गले में अटका अब संतों की शरण। संतों की शरण लेने से मात्र से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी वहां महाभोग भी गले में अटक रहे हैं।
अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की शरण लेने में, भगवान का भक्त बनने में सबसे स्वतंत्र है। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है, तो हमें भी सबको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की शरण में लीन रहना चाहिए, उन्हीं की दया दृष्टि में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी प्रभु के शरण की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।